हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है अगर हमें कि वो किस एक्सेस पर लाई करता है या किस क्वाड्रेंट पर लाई करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का कॉम्बिनेशन, दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वाई एक्सेस, और हमें कोई पॉइंट गिवन है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस जगह होगा। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉइंट ओरिजिन पे है। उसके बाद अगर कोई पॉइंट यहाँ है या यहाँ है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ है या यहाँ है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे है। और अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अगर कोई पॉइंट हमारा इस जगह पे है तो हम कहेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है। अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फाइनली अगर इस जगह पॉइंट हुआ तो उसको हम कहेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो चेकिंग है वो वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है तो ओरिजिन पे है। और अगर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जीरो नहीं है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या एक्स क्या वाई की वैल्यू जीरो है। अगर वो वाई की वैल्यू उसमें जीरो होगी तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वो वाई एक्सिस पे होगा। तो स्टार्टिंग में इस पहली कंडीशन हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों जीरो हैं क्या। फिर इसके बाद एल्स में हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाई जीरो है क्या। अगर ये वाली कंडीशन पहली फॉल्स होती है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाई जीरो है। अगर वाई जीरो है तो इसका मतलब है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। थर्ड हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो एक्स एक्सिस पे है अगर सेकंड फेल हुआ तो, अगर वो एक्स इक्वल टू जीरो है तो वो वाई एक्सिस पे है। अगर ऐसा नहीं है तो मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है तो अब हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट है उस पॉइंट के नेचर के हिसाब से या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसके बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक्स एक्सिस का ये वाला साइड है इसमें हम कहेंगे कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इस साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी मगर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी और वाई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। फिर जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। फिर इसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव मतलब कि चौथी कंडीशन जो हमारी चेक हो रही है कि दोनों नेगेटिव है, एक्स भी लेस देन जीरो है और वाई भी लेस देन जीरो है, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक कंडीशन नीचे कर लेते हैं कि क्या एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब वाई पॉजिटिव है। एक्स लेस देन जीरो और वाई पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स लेस देन जीरो ओनली और वाई ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहाँ पे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पांचवी कंडीशन हमारी ये चेक होगी। इसके बाद अगर एक्स लेस देन जीरो नहीं है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या वाई लेस देन जीरो है। अगर y लेस देन जीरो है लेकिन x लेस देन जीरो नहीं है मतलब x ग्रेटर देन जीरो है और y लेस देन जीरो है, उस केस में कहेंगे कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। और फाइनली अगर इनमें से कोई कंडीशन सही नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आइए इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने कोड लिखा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, आप देखते रहिएगा और हम करेक्शन करते रहेंगे। हमने सबसे पहले यूजर से दो पॉइंट्स इनपुट करा लिए, यहाँ हमने इंटीजर पॉइंट माने, आप अपने हिसाब से फ्लोट पॉइंट भी मान सकते हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट डेसिमल में भी हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट ओरिजिन पे होगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या एक्स जीरो है, अगर एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पे होंगे हम। और अगर एक्स भी जीरो नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाई जीरो है, अगर वाई जीरो है तो हम कहेंगे कि हम एक्स एक्सिस पे हैं। और अगर एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं कि क्या दोनों नेगेटिव हैं। अगर हमारे दोनों नेगेटिव हैं तो हमने भी देखा था कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको हम करेक्शन करते रहते हैं धीरे धीरे कि हम थर्ड क्वाड्रेंट होंगे अगर दोनों नेगेटिव हैं।
अगर केवल एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एल्स हम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, मतलब दोनों नेगेटिव नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं है तो हमने चेक किया कि क्या केवल एक ही नेगेटिव है एक्स। अगर एक्स केवल नेगेटिव है तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। अगर एक्स भी नेगेटिव नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाई नेगेटिव है। अगर वाई नेगेटिव है तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। और अगर ऐसी ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो इससे आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो आइए कुछ टेस्ट केसेस लेके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पॉइंट ले लेते हैं, 1 1। सो आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे रन करते हैं और अब एक पॉइंट लेते हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स जो है हमारा नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। सो लेट्स से -1 और 1। सो वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप कुछ पॉइंट एक्सेस के लेके देख लेते हैं। तो एक्सेस में क्या होगा कि अगर एक्स एक्सेस पे है तो वाई 0 होगा, वाई एक्सेस में है तो एक्स 0 होगा। तो लेट्स से हम 0 1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वाई एक्सेस में। ओरिजिन की भी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। जीरो जीरो, इसका मतलब कि हम ओरिजिन पे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।